हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू मिक्स सीजन्स। आज मैं बनाने जा रही हूँ सफ़ेद तिल की सूखी चटनी। यह चपाती, दशमी, रोटियाँ, भाकरी आदि के लिए एक पसंदीदा संगत है और इसे अक्सर सूखे रूप में तैयार किया जाता है। तिल में मौजूद कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, जिंक और सेलेनियम आपके शरीर को भरपूर ताकत और एनर्जी से भर देते हैं, इसलिए रोज़ाना तिल का सेवन बहुत ही लाभकारी माना जाता है। तो चलिए अब चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। मैंने यहाँ पर ले लिया है एक मेजरिंग कप और मैं सारी सामग्री इसी से मेजर करूँगी। तो मैं अभी लूँगी एक कप सफ़ेद तिल। यहाँ पर मैंने सादे तिल का इस्तेमाल किया है और अब मैं तिल को थोड़ा सा साफ करके चेक कर लूँगी कहीं इसमें कोई छोटे कंकड़ या पत्थर तो नहीं मौजूद हैं। और अब इसके साथ में मैं ले लूँगी एक चौथाई कप नारियल का बुरादा या कोकोनट पाउडर। इसी के साथ में मैं ले लूँगी एक चौथाई चम्मच जीरा और एक चौथाई चम्मच धनिया। यह चटनी के स्वाद को और भी बढ़ा देते हैं। और साथ ही में मैं ले लूँगी एक चम्मच लाल मिर्ची पाउडर और स्वाद के अनुसार नमक। चलिए, सभी सामग्री को मैंने एक जगह इकट्ठा कर लिया है और अब चलते हैं हम कुकिंग प्रोसेस की तरफ। आप देख सकते हैं कि मैंने आंच को एकदम स्लो पर रखा है। हमें पूरी कुकिंग प्रोसेस को स्लो फ्लेम पर ही करना है, नहीं तो हमारी सामग्री जल सकती है। सबसे पहले मैं यहाँ पे हम ले लेंगे धनिया और जीरा और अब हम इसे धीरे धीरे 2 से 3 मिनट तक हल्के हल्के भूनेंगे और नीचे उतार कर ठंडा कर लेंगे। और फिर इसी प्रक्रिया के मुताबिक हम लेंगे यहाँ पर तिल और उसे भी सूखा और धीरे धीरे हल्के स्लो फ्लेम पर 5 से 6 मिनट तक भूनेंगे। इसे हमें ज़्यादा नहीं भूनना है, नहीं तो तिल हमारा जल सकता है और चटनी को कड़वा कर सकता है। मैं आपको नज़दीक से दिखा देती हूँ, तिल का रंग थोड़ा सा बदल गया है और यह अच्छे से भुन भी गया है। तो अब हम इसे आँच से नीचे उतार कर सभी सामग्री को एक साथ ठंडा होने देंगे। इसके बाद में हम लेंगे नारियल का बुरादा और इसे हमें सिर्फ 30 से 35 सेकंड तक ही भुनना है क्योंकि नारियल का बुरादा बहुत जल्दी जल जाता है और इसका रंग भी बदल जाता है। सभी सामग्री को हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। लगभग आधा घंटा हो गया है और अभी हमारी सभी सामग्री ठंडी हो चुकी है। तो अब सभी सामग्री को मिक्सर ग्राइंडर जार में डालेंगे और एक दरदरा पाउडर बना लेंगे। आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पाउडर को ज़्यादा बारीक नहीं रखा है, काफ़ी दरदरा रखा है। और अब हम इसे ट्रांसफ़र कर लेंगे एक एयरटाइट कंटेनर में। कंटेनर आपका बिल्कुल सूखा होना चाहिए, इसमें पानी का अंश नहीं होना चाहिए, नहीं तो यह चटनी को ख़राब कर सकता है और इसकी शेल्फ लाइफ को भी कम कर सकता है। 15 दिनों तक रूम टेम्परेचर पर चटनी बहुत अच्छी रहती है। तो फिर आप भी ट्राई कीजिए यह सफ़ेद तिल की चटनी। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। और दर्शकों, मेरे वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे किसी और रेसिपी के साथ।